सोशल मीडिया के जमाने में फेमस होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, खुद सेलिब्रिटी भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से एक नाम हम आपको बताते हैं, एक्ट्रेस पूनम पांडे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे बीते कुछ दिनों जबरदस्त चर्चा में रही हैं। पूनम ने अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलाई और बाद में आकर सफाई दी कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये कदम उठाया था। इसके बाद अभिनेत्री खूब ट्रोल भी हुई और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई। वहीं अब इस पर खुद पूनम ने चुप्पी तोड़ी है और सच का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पूनम इंटरनेट पर आज के वक्त में सेंसेशन बनी हुई है। पूनम पांडे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में आती रहती हैं। इतना ही नहीं, उनके बोल्ड अदाएं भी लोगों को काफी पसंद आती हैं। अपनी झूठी मौत के पब्लिसिटी स्टंट के बाद से पूनम पांडे को मीडिया के सामने नहीं देखा गया था और हाल ही में पूनम पांडे काफी समय बाद मीडिया के सामने आई है। उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसे स्टंट को लेकर उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। कहती हैं, अगर मेरे किसी झूठ से किसी का फायदा हो रहा है तो ऐसे झूठ मैं हजार बार बोल सकती हूँ। जिन लोगों ने मेरे बारे में काफी कुछ बोला है उन्होंने कभी भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर बात नहीं की, लेकिन आज मैं जो कुछ सर्वाइकल कैंसर के लिए कर रही हूँ उन सब लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं फैन से माफी मांगना चाहूंगी। खैर, इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद पूनम ने पब्लिकली माफी तो मांग ली है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद क्या उनके फैंस उनकी किसी भी बात पर भरोसा कर पाएंगे?